मित्रों नमस्कार। मैं एक विशेष चर्चा और परिचर्चा के साथ आज इस लाइव डिबेट के माध्यम से आपके बीच में अपनी कुछ बात रखने के लिए आप सबके बीच सोशल मीडिया के माध्यम से आज के इस बदलते परिवेश में मेरे देश की युवा शक्ति के लिए दो शब्द कहने के लिए आप सबके मध्य रात में 11 बजे अचानक से क्यों मेरे अंदर एक बात मुझे कचोटे जा रही थी। आज एक विशेष बात के साथ, मैं सोने के लिए बिस्तर पे था, क्यों अचानक से मुझे नींद नहीं आई। मैंने सोचा कि अपनी बात सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक रखूं। महानुभाव जो भी लोग अभी लाइव मुझे सुन रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी लोग बाद में मेरी वक्तव्य को सुनेंगे उनसे निवेदन कि कृपया एक बार जो बात मैं कहना चाहता हूँ उसके समर्थन में अथवा उसके विपक्ष में कमेंट के माध्यम से अपनी बात रखने का कष्ट अवश्य करें। मैं बात शुरू करने से पहले सबसे पहले एक ऐसी घटना से बहुत आहत हूँ जो आजकल मेरे समाज में, खासकर मेरी युवा पीढ़ी में देखने को मिल रही है। उसी बात पर दो शब्दों में अपनी बात रखना चाहूँगा। महोदय, कल ही की घटना मेरे गांव में मेरे गांव की युवा शक्ति, मेरे देश की, मेरे क्षेत्र की युवा शक्ति जिसके छोटे से निर्णय ने अपनी जिंदगी को दांव पे लगा दिया। मैं कहना चाहता हूं ये जिंदगी, ये मानव का शरीर हमारे बुजुर्गों पुरखों हमारे वेद और पुराणों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि हमें 84 लाख योनियों को भोगने के बाद में मानव शरीर का ये तन मिलता है। आप लोगों का एक छोटा सा निर्णय माँ बाप के द्वारा आपको गलत रास्ते से मोड़ करके सही रास्ते पर लाने के लिए उनके द्वारा आपको डांटा जाना और उस डांट पे आकर आप अपने आप को काल के गाल में समा लेते हैं। महोदय, मैं माफी चाहता हूं। मेरे देश की युवा शक्ति से निवेदन करना चाहता हूं कैसे माँ बाप जिन्होंने एक सपना पाल रखा था कि मेरा बेटा बड़ा होकर के मेरे कंधे का सहारा बनेगा, मेरा बुढ़ापे में जाकर के मेरी लाठी बनेगा। महोदय, आप छोटी सी तुच्छ सी बातों पर अपने आप को इस तरीके के गलत रास्ते पर ले जाते हैं जहाँ माँ बाप के सपनों को आप चूर चूर कर देते हो। मैं निवेदन करना चाहता हूँ इस देश की युवा शक्ति से, युवा पीढ़ी से कि आप अपने लिए
अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, उनके द्वारा कही गई किसी भी बात को अन्यथा की स्थिति में न ले जाकर आप लोग इस तरीके के कदम न उठाएं। जिंदगी में 28-30 वर्ष की उम्र पा लेना कोई यूं ही नहीं हो गया कि आप माँ के गर्भ से निकले और अचानक से 28-30 वर्ष के हो गए। उन्हें पूछ लीजिए, माँ बाप को पूछ लीजिए, भाई बहनों को पूछ लीजिए कि आपको 28-30 वर्ष की अवस्था तक लाने में उन्होंने कितना बड़ा संघर्ष किया है, और आप अपने एक छोटे से निर्णय को, आप अपने दिल के अंदर एक छोटी सी किसी बात को लेकर आप आत्महत्या जैसे एक जघन्य अपराध को आप अंजाम देते हैं। अपने आप को खत्म कर लेना किसी समस्या का समाधान नहीं है। किसी समस्या के साथ लड़ना समस्या है, उस समस्या का समाधान किसी और वजह से भी निकाला जा सकता है, उसका समाधान ये नहीं है कि आप माँ बाप के सपनों को रौंदते हुए, माँ बाप के सपनों पर लात मारते हुए आप सुसाइड जैसे घिनौने काम को करते हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ, कल विशेष चर्चा और परचर्चा के साथ आपके बीच में फिर हाजिर होने का काम करूँगा। तब तक के लिए आपसे ऐसा अनुरोध, ऐसी विनती, ऐसी करबद्ध प्रार्थना कि आप अपने माँ बाप के सपनों को चूर होने से बचा लीजिए। आपके माँ बाप, प्रत्येक माँ बाप के लिए उसका बेटा सोना नहीं हीरा है, चाहे वो कैसा भी हो। माँ बाप कभी नहीं चाहते कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा गलत रास्ते पर जाए, गलत संगति में रहे। अगर आप गलत संगति में जा रहे हैं, माँ बाप अब आपको टोकने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप पे नाराज होकर के भी कह रहे हैं, तो आप मान लीजिए कि आपको एक सही रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, आपको एक ऐसे रास्ते को दिखाना चाहते हैं जहां से आपका भविष्य उज्जवल हो सकता है। महोदय, आप अपनी उत्तेजना में आकर, आप अपने क्रोधावेश में आकर इस प्रकार के गलत निर्णय जो आप इस समय ले रहे हैं, माँ बाप की आशाओं पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से कि माँ बाप के घर के किसी सदस्य के आप पर झल्लाने का, चिल्लाने का या आपको रोकने का कम से कम कारण सोचने का काम करिए। आखिर हमें क्यों टोका जा रहा है, आखिर हमसे क्यों कहा जा रहा है। आप इस तरीके के कदम न उठाएं। आपके पीछे कितने लोगों की जिंदगी जुड़ी है, आपके माँ बाप, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, भाई बहन, सारा परिवार, सारा गांव, ये देश आपको देख रहा है। इस देश को आपसे आशाएं हैं कि मेरे देश की युवा शक्ति, जिसके बलबूते पर ये देश चलता है, ये समाज चलता है, वो आप लोगों को आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप अपने आवेश में आकर के आत्महत्या जैसे जघन्य अपराध को करने का काम न करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आपसे विशेष चर्चा और परचर्चा के साथ आपके बीच में मौजूद रहूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू।